बिल्कुल आज तो ईद का तीसरा दिन है। वैसे पहला दिन तो गुजर गया कुर्बानी वगैरह में, और दूसरे दिन हम लोग बारबेक्यू वगैरह बनाया, और अभी गोश्त से तक करके इधर ही आ गए। आज ईद का तीसरा दिन है तो कोई चाय वगैरह जूस वगैरह पीने के लिए आए। ईद का बहुत अच्छा गुजरा है, आज ईद का तीसरा दिन है, माशाल्लाह कबाब मबाब खाया, अभी आज इंशाल्लाह जूस मुजूम खाया, अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग गया इंशाल्लाह, अच्छा मौसम लग गया। ज़ियारत में गया, अभी ज़ियारत से आया, अभी जा रहे घर, अभी मौसम बहुत माशाल्लाह बराबर है, अभी जा रहे इंशाल्लाह। बहुत बोरिंग था, मतलब वही घर पे जो आम रूटीन चलता रहता है, गोश्त वगैरह सिर्फ वही थे, और मज़ीद कुछ भी एक्टिविटीज नहीं थे, स्टडी सब कुछ बंद है, तो इसीलिए यहाँ पे भी जूस पीने आए हैं। वो कहते हैं मतलब चीज़ें तो बहुत से हैं, खाए सब कुछ, लेकिन अभी सब कुछ फुल हो गया, कोई गुंजाइश नहीं है दूसरी चीज़ खाने की, तो फिलहाल सेप्स पे गुजारा कर रहे हैं ताकि हज़म हो जाए, स्टिंग और पेप्सी इसी से काम चला रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, एंड वी आल्सो बोर्ड इन आवर हाउसेस कि हमने सोचा कि हम कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर आउटिंग कर लें, कि काफ़ी दिन से, दो दिन से हम ईद की कुर्बानी की गोश्त खा रहे थे, तो सोचा आज बाहर कहीं आउटिंग पे चलें फ्रेंड्स के साथ।